आप जवाब दे पाएंगे इस बात का कि ये हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? हमारे प्रतिनिधि हमारे चंद्रगुप्त होना चाहिए, और चंद्रगुप्त कौन होगा ये आप तय कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने लोगों को जोड़ेंगे वो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट बनेगा। और नेशनल, ऐसे नेशनल पुलिस, नेशनल स्पेशल ऑफिसर जिसके 10,000 से ज्यादा होंगे तब वो नेशनल स्पेशल ऑफिसर कहलाएगा, और 10,000 के ऊपर निकलते ही वो जो है इलिजिबल हो जाएगा कि उसे जो है एमएलए एमपी का टिकट मिले। लेकिन उसको मिलेगा किसको? जिसके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे। तो आपको नेशनल स्पेशल ऑफिसर पर नहीं रुकना है, आपको जाना है, संगोष्ठी करिए, मोहल्ले में बैठिए, इनसे करिए, और बड़ी भीड़ को इकट्ठा नहीं करना है, 5 पैसे नहीं खर्च करना है, उनके साथ चाय पीजिए, उनके साथ एक दो वीडियो देखिए, उनको यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब कराइए, और फिर जो है अपने प्रोफाइल की अपनी लिंक भेजकर उनको जोड़िए जिससे आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिले, और फिर उनको टास्क करिए कि वो भी इसी तरीके से संगोष्ठी करें। यदि उनका प्रभाव किसी पर्टिकुलर जाति में है, किसी बगल के गांव में है, तो उनको वहां भेजिए, और इस तरीके से इस प्रभाव को बढ़ाते जाइए। तो जहां भौतिक रूप से जा सकते हैं वहां संगोष्ठी करिए, जहां भौतिक रूप से नहीं जा सकते हैं वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, और उसको थोड़ा सा और जो है ना एनर्जी देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को सामने रखिए, और अपना दाहिना हाथ उठाते हुए संकल्प लीजिए कि मैं भारत माता के सामने, राष्ट्रीय ध्वज के सामने संकल्प लेता हूं कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। कठिन काम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं, कोई पैसा खर्च। नियम कानून को कोई तोड़ रहे हैं क्या? नहीं, कोई नहीं तोड़। क्या कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं? नहीं, कोई तो नहीं। जब आज की दानवी व्यवस्था जिसका चित्रण अभी आपने किया है वो आपके ऊपर थुपी हुई है, और आपको ऊपर जो है ना अत्याचार किया जा रहा है, आपसे पैसा वसूला किया जा रहा है, और ये दमंग लोग जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं, थाने पर इनके विरुद्ध कार्रवाई भी नहीं होती है, तो आप किस चिंतन में हैं? जब आपका कुछ जान ही रहा है तो इतना चिंतन क्यों कर रहे हैं?